हाँ बच्चों, डेरिवेटिव को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेटिव में लास्ट टाइम आपको डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, क्लियर हो? कुछ और चेन रूल पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और आज मतलब आज और अगले लेक्चर में जो मैक्सिमम हम लोग जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो ट्वेल्थ के तो कंटेंट कम होंगे, जेई वाले कंटेंट ज़्यादा होंगे, सही है? तो ऐसे ट्वेल्थ में रेयर मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, मतलब ट्वेल्थ का बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आता होगा, ठीक है? वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। और साथ साथ लेविनी थ्योरम जो कि स्पेशली फॉर आईटी एडवांस के लिए पढ़ा जाता है उसको भी पढ़ेंगे। मतलब आज के जो दो लेक्चर हैं वो दैट इज ओनली फॉर किसके लिए? जेई के लिए, मान के चलो प्योर जेई का दो लेक्चर पढ़ने वाले हैं यहाँ से, क्लियर हो? हाँ सर, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ सुन लो भैया ना, क्वेश्चन ये है ना, देख लो थोड़ा सा नोट में, मैं आपको पहले बता चुका था, एक बार याद करवाता हूँ, है ना। इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? एफ एक्स के। वाई इज द फंक्शन ऑफ क्या? एक्स। तो आपको ये भी बताया गया होगा कि सर dy by dx जो होगा, dy by dx इज जनरेटेड एट एफ डैश एक्स, स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है? जब स्टार्टिंग जब डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तो उस समय पहले लेक्चर पे या दूसरे लेक्चर पे ये बात हमसे और आपसे हुई थी कि dy by dx इज जनरेटेड बाई क्या? एफ डैश एक्स। dy by dx को कैसे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स से। तो इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, सही है? क्लियर हो? चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सही यहाँ तक? हाँ सर। क्वेश्चन ये है, लिखे इफ वाई इज इक्वल टू एफ टू एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इफ वाई इज इक्वल टू एफ टू एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल क्या? एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या बताना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन ये है, इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तरीका तो ये भी हो सकता है कि सर वाई की वैल्यू एफ टू एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या रख देंगे? टू एक्स, और टू एक्स का स्क्वायर कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन वैसे नहीं चलने वाले, ठीक है? थोड़ा कुछ सीखने वाले हैं, क्लियर हो? चलिए, गिवन क्या है? गिवन ये है वाई इक्वल टू क्या? एफ ऑफ टू एक्स, एफ ऑफ टू एक्स आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखोगे इसको? डी ऑफ एफ टू एक्स, डी ऑफ क्या? एफ टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या? डी टू एक्स इंटू डी टू एक्स बाई क्या? डी एक्स, सही है? क्लियर हो? चेन रूल लगाया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, इधर लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ टू एक्स, एक्स इज रिप्लेस बाई क्या? टू एक्स, तो यहाँ टू एक्स लिख दिया इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स। आपको पता है कि जब तक डी एक्स नीचे नहीं आएगा नहीं छोड़ते हैं चीज़ों को, क्लियर हो? तो लास्ट में डी एक्स ही लाकर छोड़ना पड़ता है, सही है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है ध्यान देंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ध्यान देना, डी सुन लो, डी एफ टू एक्स बाई डी टू एक्स। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि सुन लीजिए, कि अभी भी बताया गया वहाँ पे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या? एफ एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हो? एक्स के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, ये दिखाने का तरीका होता है। यानी कहने का मतलब ये है डी एफ एक्स वाई डी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डी एफ एक्स वाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं इसको? एफ डैश एक्स। तो इसको क्या लिखोगे, सोच कर देखो, ये वाले को इसको लिखेंगे एफ डैश टू एक्स, इसकी वैल्यू, समझ में आ रहा है? हाँ सर। एफ डैश क्या? टू एक्स, और ध्यान देना टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू। तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश टू एक्स। अब हमें कहीं ना कहीं से एफ डैश टू एक्स की वैल्यू लाना पड़ेगा, किसकी वैल्यू लाना पड़ेगा? एफ डैश टू एक्स की। नाउ अब ये चलेंगे क्या, और क्या गिवन था? सेकंड कंडीशन ये था एफ एक्स की वैल्यू क्या था? एक्स स्क्वायर। अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x। एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x। अब वाई फर्स्ट में इसको रिप्लेस कर दो, बहुत आसान चीज है ना, फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे तो डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है? एफ डैश टू एक्स, और यहाँ पे क्या है? एफ डैश एक्स। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, अगर यहाँ टू एक्स तो यहाँ भी क्या? टू एक्स, सही है? तो टू इंटू एफ डैश टू एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ डैश टू एक्स, टू इंटू एक्स से जहाँ पर क्या रख दोगे? टू एक्स। देख लो भैया, सही है? सही है, देख लो भाई, ठीक है? ये टू तो ऑलरेडी पहले का था,
ये टू ऑलरेडी सॉरी ये टू ए वाला था, ये टू ए वाला था, और यहाँ पे क्या रख दोगे आप 2x, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8x। देख लीजिए भैया ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सही है। देख लो कोई तकलीफ है बताओ मुझे, सही है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इजिकल्स टू एफ ऑफ ई पे पावर x, y इजिकल्स टू एफ ऑफ क्या ई पे पावर x, y की वैल्यू क्या है एफ ऑफ ई पे पावर x, एंड एफ एक्स इजिकल्स टू साइन x, एंड एफ एक्स इक्वल्स क्या साइन x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, क्या आपको बताना है dy बाई dx। देख लीजिए क्वेश्चन, इफ y इजिकल्स टू एफ ऑफ e टू दी पावर x, सही है, एंड एफ एक्स इजिकल्स टू साइन x, फाइंड dy बाई dx। अच्छा dy बाई dx फाइंड आउट करते हो तो आपको एफ डैश एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ना उसको पहले ही निकाल लिया जाए। हाँ सर सुन लो भैया, गिवन क्या है, पहले एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है साइन x, तो आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो ना, जरूरत पड़ेगा इसका। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा cos x, सही है, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा cos x। अब चलो अब dy बाई dx पे कंसंट्रेट करो। हाँ सर, तो नाउ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है एफ ऑफ ई पे पावर x, यही है, y इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ ई पे पावर क्या x, सही यहाँ तक। हाँ सर क्लियर हो, हाँ सर क्या लिखोगे सर dy बाई dx, dy बाई क्या dx, सही यहाँ तक। हाँ सर क्या लिखेगा, d f ऑफ e पे पावर x डिवाइडेड बाई d ऑफ x के जगह पर क्या है e पे पावर x, सही है, इनटू d e पे पावर x डिवाइडेड बाई क्या dx, f e पे पावर x बाई d e पे पावर x क्या हो जाएगा f डैश, f का डिफरेंशिएशन क्या था f डैश e पे पावर x, और e पे पावर x का क्या e पे पावर x। अच्छा f डैश x की वैल्यू क्या है sin x, और अगर यहाँ पे सॉरी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स, अगर एफ डैश ई पे पावर एक्स पूछूं तो एक्स इज रिप्लेस बाई क्या ई पे पावर एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉस ई पे पावर एक्स, इसको आगे लिख लीजिए वो वाले ई पे पावर एक्स को, ऐसे लिख दो आंसर, सही है। आंसर जो हो जाएगा वो ई पे पावर एक्स, ये वाले को आगे लिख लिया, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस ई पे पावर क्या एक्स। देख लो भैया ई पे पावर एक्स इंटू कितना कॉस ई पे पावर क्या एक्स, सही है। हाँ भाई देख लो यहाँ तक कोई समस्या है बताओ, आपको तकलीफ नहीं जाना चाहिए, मिटा रहा हूँ भाई। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीन को बार बार पीछे कीजिए, पीछे जाइए समझने की कोशिश कीजिए, अभी दो चार पांच क्वेश्चन और कराऊँगा, है ना, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें, ठीक है। अगर अभी भी भरपूर नहीं समझ में आया तो आप बने रहिए मेरे साथ, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सही है। जैसे हमारा भरनी बस बोलता है मुझे ग्रुप में जोड़ लो सर, सही है। हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सही है यहाँ तक, यस सर। इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं ना, इस चैप्टर के बाद डेरिवेटिव के बाद कैलकुलस का पहला चैप्टर, सही है। और सर बाकी लोग तो फंक्शन में से पढ़ा दिए सर, अब क्या करोगे भाई, मेरा ये स्टाइल है, आप ना पहले डेरिवेटिव स्टार्ट कर दियो, सही है। हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स एफ ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाई, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा जा चुका था, थोड़ा बहुत डाटा का कुछ फर्क होगा, वन के जगह पर टू होगा ऐसा कुछ होगा, सही है। एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है साइन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स स्क्वायर, सही है। हाँ सर फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड क्या डी बाई डी एक्स, सेम डिटो टाइप का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा जा चुका था, हो सकता है डाटा का कुछ फर्क हो अलग बात है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था, हो सकता है यहाँ पे टू होगा या थ्री होगा, ये वाला तो यही था मुझे याद है, ये वाला ना यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर ही गिवन था, तो आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, सही है।
हाँ सर चलिए, तो पहले तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितना है रे बच्चा, साइन एक्स स्क्वायर, सही है। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ध्यान देना मैं सीधा लिख रहा हूँ, चेन रूल लगाओगे ना इस पर, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, सीखे सीखे। एफ डैश एक्स कितना आ गया 2x इंटू क्या कॉस एक्स स्क्वायर, देख लो भैया यहाँ तक ये किसकी वैल्यू आया, इसको आगे लिख दिया हूँ, इसको पीछे कर दिया हूँ, सही है। साइन कॉस को प्रयास करो, ये सब पीछे लिखे जाए तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या है सर जी, अब ये है सर जी वाई की वैल्यू कितना है, एफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस टू, ये वाई है। हाँ सर, तो अब क्या फाइंड आउट करना है आपको भाई, डी वाई बाई डी एक्स, क्या फाइंड आउट करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सर जी हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स तो हम फाइंड करना जानते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना जानते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे सर डी ऑफ एफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड बाई डी। अब एक्स के जगह पे कौन रिप्लेस है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ध्यान देना अच्छे तरीके से समझना, ये चीज ऊपर जाता है और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो, कौन चीज ये वाला है ना, ये ये, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेगा बच्चा, ये तो दो फंक्शन डिवाइड में है ना, दो फंक्शन डिवाइड में, तो क्या करोगे, एक्स प्लस टू साइलेंट रहेगा, डिनोमिनेटर साइलेंट रहेगा, सही है, और न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन एक्स प्लस वन का वन माइनस, अब एक्स प्लस वन साइलेंट रहेगा, एक्स प्लस टू का भी वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस टू का क्या होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या होल स्क्वायर, देखो समझो। अरे ऊपर ले जाके फाइनली इसका डिफ्रेंसिएशन ही तो करते हो ना, कर दिया हूँ सीधा, डरो मत। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या डी एक्स, एफ का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस टू। अब ध्यान देना ये वन है, कोई मतलब तो नहीं है मल्टीप्लाई में वन का, कोई मतलब नहीं है, आप कटे है ना माइनस को अंदर लेके जाओगे तो एक्स कट जाएगा, और टू माइनस वन कितना हो जाएगा वन, वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू का क्या होल स्क्वायर, देख लो भाई सही है। हाँ सर, अब ध्यान दियो भैया, तो देयरफोर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या डी एक्स, उसको आगे लिख दे रहा हूँ किसको, वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आगे लिख दिया, सही है। और क्या है एफ डैश एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, तो एफ डैश एक्स कितना आया था, देखो यहाँ एफ डैश एक्स कितना था 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन आज x के जगह पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है ये वाला, ये रखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वो जो घेरे के अंदर में डाला उसको रख दो, तो कितना आ जाएगा इंटू टू इंटू यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड क्या x प्लस टू, सही है। और cos cos x स्क्वायर यानी x प्लस वन डिवाइडेड क्या x प्लस टू का क्या होल स्क्वायर, सही है। देख लो भाई कितना आ जाएगा आंसर, टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस टू का क्या होल क्यू, सही है। और इधर कितना हो जाएगा इंटू कॉस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस टू का क्या होल स्क्वायर, देख लो भाई देखो 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 जल्दी देखो, सही है, देख लो भैया कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लोगे, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, देख लो। इफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई क्या थ्री एक्स प्लस फोर, है ना, जिनको डाउट जाएगा वो पूछेंगे हमसे। एंड एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है ई पे पावर एक्स है, एफ एक्स कितना है ई टू दी पावर एक्स है, आपको बताना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या बताना है आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कर लेना है क्वेश्चन खुद से, सही है। स्क्रीन पॉज करो, फास्ट लिखो भैया, बिल्कुल फास्ट लिखो, मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, सही यहाँ तक। हाँ सर, अब हम लोग ना क्वेश्चन क्वेश्चन की भरमार करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो बोर्ड की चीज़ें हैं और एग्जाम की चीज़ें हैं उनको मैं कवर करते हुए निकलूँगा, ठीक है। हाँ सर, सही है। हाँ सर, चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सही है। हाँ सर, ठीक है सर, आगे बताओ सर जी आप,
क्या विचार है? कोई विचार नहीं है, सब सुविचार है। ठीक है भैया? हाँ सर। चलिए आगे क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और जेई मेन में एक दो बार पूछा जा चुका है। सही है, लिखिए इफ इफ। और याद रखना ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन में भी करवाता हूँ, 2 into f(x) + f(1/x)² 1/x 2 into f(x) + f(1/x) = x² = x² फाइंड f(x) एंड f'(x)। आपको f(x) भी बताना है और क्या बताना है? f'(x) भी बताना है। देख लो भैया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर समझोगे तो काफ़ी आसान है, नहीं समझोगे तो काफ़ी टफ है। हाँ, बारहवीं वाले किताब में नहीं मिलने वाले आपको ऐसे क्वेश्चन, ट्वेल्थ वाले में। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन ये है सर, 2f(x) + f(1/x) = x² आपको दो बातें बोला गया है, fx भी बताइए और f'(x) भी बताइए। fx मिल जाएगा तो f'(x) निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सही है? हाँ सर। क्या करूं? सोचो सोचो, स्क्रीन पॉज करो, सोचो। नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए, क्या करना है? चलो मेरे साथ रहो। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले, ये सब मतलब क्वेश्चनों का मान के चलो पैकेट है एक तरीके से, मतलब वैरायटीज हैं, है ना, वैरायटी बोल सकते हो। एक बार हो सकता है आपको टीचर बताए तो समझ में आए, या फिर समझ में आ भी गया हो तो बहुत अच्छी बात है, है ना। इसके लिए क्या करोगे सर? एक्स इज रिप्लेस वाई, सबसे पहले एक्स इज रिप्लेस वाई 1/x, अड़ोस इज रिप्लेस वाई पड़ोस, अड़ोसी को पड़ोसी से रिप्लेस करो। इसको रिप्लेस करना इस वाले से या फिर इसको इस वाले से, खत्म। ऐसा नहीं कि x इज रिप्लेस बाई 1/x, मतलब दिस इज रिप्लेस बाई दिस, यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ से रिप्लेस करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या था x, x इज रिप्लेस बाई क्या 1/x। सही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? क्या सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 2f(1/x) और यहाँ पे x के जगह पर 1/x रखोगे तो x ऊपर जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा f(x) और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x². सही है, सही है ना भाई? देखो ना भाई, क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं सर। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें एफेक्ट्स आ गए हैं, तो इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दे रहा हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको इक्वेशन सेकंड, सही है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखे हैं, अच्छे समझना भैया, बाई फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्या है बच्चा? फर्स्ट है 2f(x) + f(1/x) = x², ये तो फर्स्ट था जो गिवन ही था। सेकंड इक्वेशन क्या बना सर? f(x) + कितना 2 into f(1/x). अब थोड़ा इनके ऊपर नजर दौड़ाइए, क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसे दिख रहे हैं? 2 equation 2 variables types दिख रहा, नहीं दिख रहा? एक वेरिएबल आपको fx दिख रहा होगा, f(1/x) दिख रहा होगा। सही है, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर दो और fx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हाँ सर, तो फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं? इसको एलिमिनेट करना है 2 का, फर्स्ट इंटू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 का इंटू कर रहे हो ना? हाँ सर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4f(x) और प्लस कितना 2f(1/x) और यहाँ 2 का इंटू किया तो कितना हो जाएगा 2x², ये इक्वेशन 1 था। सही है, सेकंड में कुछ नहीं करना है, सेकंड को एज इट इज लिखिए। सही है, अरे पढ़े होगा ना 10th में एलिमिनेशन मेथड, हाँ सर वही तो कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या f(x) + 2 into f(1/x) = 1/x² इक्वेशन सेकंड। सही है, हाँ सर। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस क्या करते हैं सेकंड। सही है, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अभी बहुत लोग समझ में आया, ओ ये वाला, ये तो जानते थे यार अपन, बोल रहे होते ना आप। तो कितना हो जाएगा 3f(x) = 2x² - 1/x² 3 का डिवाइड कर दीजिए तो fx कितना आ जाएगा 2/3x² - 1/3x² इसी का क्या आपको फाइंड आउट करना है? ये fx मिल गया, क्या मिला fx की वैल्यू मिल गया, यस सर। अब क्या फाइंड करना आपको? f'(x) मतलब क्या? इसका डेरिवेटिव, सही है, डिफरेंशिएशन। तो f'(x) ध्यान देना, इसका पावर सामने आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3x। अब ध्यान देना, इसका पावर कितना, x पे पावर कितना है? -2, तो -2 सामने आ जाएगा, सामने कौन आएगा -2, तो यहाँ बच जाएगा +2 2/3, और x पे पावर कितना हो जाएगा
माइनस थ्री, उसको नीचे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वन बाई एक्स पे पावर थ्री लिख सकते हो इसको। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स जो आ जाएगा फोर बाई थ्री एक्स है ना, और प्लस टू बाई थ्री एक्स क्यूब। देख लो भैया, देखो सही है, अच्छे से समझ लो इसको करना कैसे है। कुछ नहीं किए हैं, दिस इज रिप्लेस बाई दिस, दो इक्वेशन बना, सोल्व किया, मामला खत्म। सही है, हाँ सर, देख लो क्लियर हो। हाँ सर, एक और क्वेश्चन बताता हूँ ना, ऐसा वाला तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी सर, बढ़िया बोल रहे हो सर आप, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। तकलीफ तो पूछोगे तो बहुत है सर, ऐसे हम लोगों को कोई तकलीफ होता नहीं है, हम लोग बहुत बहादुर बच्चे हैं, बहादुरों को कोई तकलीफ होता नहीं सर आज तक, समझा करो आप। ठीक है भाई, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भैया, कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के करते हैं भैया। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिखिएगा, लिखाना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ बोलते हैं बड़ा आराम से मिटाता है भाई बोर्ड को, थ्री एफ एक्स प्लस फोर एफ वन बाई एक्स, फोर एफ वन बाई एक्स इजकस टू एक्स प्लस टू, इजकस टू क्या, एक्स प्लस टू, फाइंड एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। आपको एफ एक्स भी बताना है और क्या बताना है, एफ डैश एक्स बताना है। क्लियर हो, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान देंगे। गिवन क्या है, मेरे साथ बने रहेंगे, गिवन क्या है, गिवन है सर थ्री एफ एक्स प्लस फोर एफ वन बाई एक्स इजकस टू कितना, एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन वन नेमिंग करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन वन। आप ध्यान देना एक्स इज रिप्लेस बाई क्या, वन बाई एक्स, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है एक्स इज रिप्लेस बाई क्या, वन बाई एक्स। इसका मतलब ये तो एरो लगा दियो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेस। सही है, एक्स इज रिप्लेस बाई क्या, वन बाई एक्स। तो यहाँ कितना जाएगा, थ्री एफ वन बाई एक्स, और ये कितना जाएगा, फोर एफ एक्स। उसको आगे लिख लो, किसको, फोर एफ एक्स को, और थ्री एफ वन बाई एक्स को, मतलब यहाँ वाले चीज़ को पीछे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा स्टेप काट रहा हूँ बस और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या क्या जाएगा, वन बाई एक्स प्लस क्या, टू। ये इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सोल्व कीजिए। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, थ्री का इंटू कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फोर का। हाँ सर, तो फर्स्ट इंटू थ्री कितना आ जाएगा, नाइन एफ एक्स, और प्लस क्या, ट्वेल्व एफ वन बाई एक्स इजकस टू कितना आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस क्या, सिक्स। इक्वेशन वन, थ्री का इंटू किया, और सेकेंड में कितने का इंटू कर देते हैं, फोर का। सही है, तो कितना आ जाएगा, सिक्सटीन एफ एक्स प्लस ट्वेल्व एफ वन बाई एक्स। सही है यहाँ तक, हाँ, और ये कितना आ जाएगा, फोर बाई एक्स, और टू फोर जा कितना, एट। इक्वेशन सेकंड, सही है, हाँ सर। दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं भैया, माइनस कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस क्या कर देते हैं, सेकंड, माइनस 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 माइनस, ये गायब हो जाएगा। सही है, नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवन एफ एक्स, और वहाँ कितना हो जाएगा यार, थ्री एक्स माइनस फोर बाई एक्स, और सिक्स माइनस एट कितना हो जाएगा, माइनस टू। सही है, माइनस सेवन को डिवाइड मारें तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाई सेवन एक्स, माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस फोर बाई सेवन एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, टू बाई सेवन। ये आपका एफ एक्स आया, देख लो भाई, देखो तो सही है क्या, हाँ सर सही है, देख लो, कैलकुलेशन एरर वगैरह चेक कर लें, कैलकुलेशन एरर चेक कर लें, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा पूरा सही है। हो सकता है कहीं पे मैं टू को भूल कर थ्री लिख दूँ, वो अलग चीज़ है, ठीक है, कहीं माइनस छोड़ दूँ, वो कोई बड़ा समस्या नहीं है, आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। सही है, हाँ सर, चलो, माइनस थ्री बाई सेवन एक्स का वन हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सही है, और फोर बाई सेवन बाहर रहेगा, और वन बाई एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। सही है, अब कैसे होता है मैं बार बार डिफ्रेंशिएशन आपको थोड़ी बताऊंगा, इतना आसान। और टू बाई सेवन का जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स जो आ गया वो कितना आ गया, माइनस थ्री बाई सेवन और माइनस फोर बाई सेवन एक्स स्क्वायर। देखो भाई देखो, सही है क्या, हाँ सर सही तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। आपको एफ एक्स बताना है और क्या बताना है, एफ डैश एक्स। सही है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स,
क्लियर हो? कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसमें एफ एक्स बताना, क्या बताना है, एफ डैश एक्स। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, टू एफ एक्स, अरे कुछ भी लिख देता हूँ यार, टू एफ एक्स प्लस क्या थ्री एफ वन बाई एक्स इजिकल्स टू एक्स क्यू। सेकेंड क्वेश्चन, फोर एफ एक्स प्लस फाइव एफ कितना वन बाई एक्स इजिकल्स टू टू एक्स प्लस फाइव, सही है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ये टू एफ एक्स प्लस थ्री इंटू एफ फाइव माइनस एक्स इजिकल्स टू फोर एक्स, सही है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर एफ एक्स प्लस थ्री एफ टू माइनस एक्स इजिकल्स टू एट एक्स प्लस सेवन, सही है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन लिख लो, फाइव एफ एक्स प्लस सिक्स एफ थ्री माइनस एक्स इजिकल्स टू ट्वेल्व एक्स प्लस टू। आपको एफ एक्स बताना है और क्या बताना है, एफ डैश एक्स बताना है, सही है यहाँ तक? हाँ सर, एफ एक्स बताना है और क्या बताना है, एफ डैश एक्स बताना है, सही यहाँ तक? हाँ सर। इतने क्वेश्चन है, कर लेना। चलो इसमें एक बताता हूँ ना, थर्ड वाला बता दे रहा हूँ, ये वाला बता दो। हाँ सर, कुछ नहीं, दिस इज रिप्लेस बाई दिस, यही तो करना है, कॉन्सेप्ट तो यही है। हाँ सर, बता रहा हूँ भाई, अब बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, देख लो भाई, थर्ड वाला बता दे रहा हूँ, सही यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए देखिए भाई, देखिए भैया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, थर्ड वाला ना, थर्ड बता दे रहा हूँ ना, इसमें थर्ड जो है बता दे रहा हूँ, टू एफ एक्स और प्लस थ्री एफ फाइव माइनस एक्स, सही है, इजिकल्स टू फोर एक्स, इजिकल्स टू क्या फोर एक्स। आपको एफ एक्स भी बताना है, फोर लिखा हुआ ना, आपको एफ एक्स भी बताना है और एफ डैश एक्स भी बताना है, सही है? हाँ सर, क्लियर हो? इसको फर्स्ट बोल देते हैं यार इसी को, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन वन। अब क्या लिखोगे सर, एक्स इज रिप्लेस वाई, हाँ लिख ही दे रहा हूँ भाई, बहुत लोग लगेगा कि क्या लिख रहा है, एक्स इज रिप्लेस्ड वाई क्या फाइव माइनस एक्स, एक्स से आप क्या रिप्लेस कर दे रहा हूँ, फाइव माइनस एक्स। एक्स के जगह पे अगर 5 माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 इंटू एफ 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स के जगह पे अगर 5 माइनस एक्स रखोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये एफ एक्स बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स जहाँ पे वहाँ पे आप 5 माइनस एक्स रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा एफ एक्स, 3 इंटू क्या एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ 5 माइनस एक्स इजिकल्स टू फोर इंटू फाइव माइनस एक्स, इक्वेशन सेकेंड बोल दो इसको, सही है, क्लियर हो? अब इसको एलिमिनेट करना है, देख लो फर्स्ट सेकंड तैयार हो चुका है। तो फर्स्ट में कितने का, यहाँ टू का और यहाँ थ्री का इंटू कर लेता हूँ, तो फर्स्ट इंटू कितना लिखोगे सर, टू, यानी कितना हो जाएगा फोर एफ एक्स और प्लस यहाँ सिक्स एफ फाइव माइनस एक्स, टू का इंटू कर देगा तो ये एट एक्स हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे थ्री को सेकेंड इंटू क्या थ्री का, तो यहाँ कितना जाएगा नाइन एफ एक्स, कितना आ जाएगा नाइन एफ एक्स, और यहाँ कितना सिक्स एफ फाइव माइनस एक्स, और यहाँ थ्री का इंटू कर दोगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व फाइव जा कितना सिक्सटी, और यहाँ ट्वेल्व फिर से इंटू हो जाएगा अंदर में माइनस ट्वेल्व एक्स, ये सेकंड। अरे थ्री का इंटू किया ट्वेल्व हुआ, ट्वेल्व को अंदर में भी इंटू कर दिया हूँ, सही है। कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी चीज़ें सही है सब, मैं बार बार बोलते रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में फॉल्ट हो, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? बाकी चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट सही है, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, यहाँ माइनस फाइव एफ एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दियो,
एट एक्स प्लस 12x 20x माइनस क्या 60। देखो भैया सही है, माइनस 5 का डिवाइड कर दो, माइनस 5 डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 4x और प्लस कितना 12, ये एफ एक्स मिल गया आपका। सही है, कितना प्यारा सा वैल्यू है। अब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 4x का माइनस 4 और 12 का 0। देख लो भाई, देखो जल्दी से, फटाक से देखो, किसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, कोई समस्या आपको नहीं जाएगा। और ऐसे मतलब फंक्शन में जाओगे ना तो ये तो उस वर्जन का बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं। और कोई बताना है क्या? चलो एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, लो लिख लो इसको भी, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, है ना। 2 into fx कितना लिख दोगे सर, 3 into f a माइनस a कॉन्स्टेंट है ना, इजकस टू 5x। आपको बताना है फाइंड एफ एक्स बताना है एंड क्या एफ डैश एक्स बताना है। देख लीजिए भैया, आपको एफ एक्स बताना है और क्या बताना है, एफ डैश एक्स बताना है। क्लियर हो? हाँ सर, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से कर लेना ऐसे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए और जल्दी से लिख लिया जाए। समझ गए, मिटा रहा हूँ भाई, सही है, मिटा रहा हूँ।